Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Saad Farooq. And my name is Sabi Suhail. So guys, आज एक new trailer release हुआ है जिसका नाम है हनुमान official trailer और इसमें प्रशांत वर्मा cinematic universe, I guess ये वो production team है जिनकी तरफ से ये trailer release हो रहा है और ये हमने Prime Show Entertainment के channel से लिया है. So guys, do subscribe to our channel, create and subscribe to our channel. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम और डिलेइंग द वीडियो लेट्स स्टार्ट. रचन इंफ्रास्ट्रक्चर वालों की तरफ से स्पॉन्सर. स्टार्ट तो बहुत नेचुरलिस्टिक ही है. ओ गॉड. गभीर सागर गर्भां करस्तम अधिलोक महिमान वितमहा सिंधि लिमिट क्रॉसिंग डायमेंशन हनुमा रुधिर मणि निरीक्ष शत सहस्र वर्ष सुदीर्घ निरीक्षणम. Oh God. What a sort of fake था. बहुत एक है सभी लुक एट यार. तो मैं देखो ऐसी वैसे किया है थोड़ा सा फेक था आपको मानना पड़ेगा. ओ उसमें राम भी है मतलब लॉर्ड हनुमान लॉर्ड राम बहुत ऑफ देम आर हनुमान. तो आई थिंक इसे बेसिकली दिखाया जाएगा कि गलत और अच्छाई की जंग है. अच्छाई और बुराई की लाइक बैटल टाइप हो. बट सो ट्रू. अगर बात करूं मैं ट्रेलर में इन्होंने कोई कहानी को टीजर में टीजर कुछ पता ही नहीं है तो बिल्कुल मतलब फिर भी कुछ भी ग्लिम्स भी नहीं दिया कोई क्लू भी नहीं दिया बिल्कुल भी. ग्लिम्स में कह रहा था कोई क्लू भी नहीं छोटा मोटा होता ही नहीं टीजर में क्लू. और इसके अलावा बीच में मुझे वीएफएक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बहुत फेक था बहुत ज्यादा फेक था. शुक्र है तुमने वो नहीं देखी. क्या नाम था उसका भी आदिपुरुष. नहीं वो मैंने नहीं देखी. ये से बहुत ज्यादा अच्छा था. मुझे तो बहुत अच्छा लगा मतलब अच्छा था. इसमें लाइक इन्होंने सिनेमेटोग्राफी जो स्टार्ट में थोड़ी सी दिखा रहे थे मिड में भी आई थी बहुत अच्छी लग रही थी. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत अच्छा होने वाला क्योंकि ये लोग नेचुरलिस्टिक चीज को आपस में कंबाइन कर रहे हैं नेचर को और अपने लाइक लॉर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत लाइक इसको स्मूथली एक वीडियो रन करेंगे. बट जो बीच में वीएफएक्स आया और पंच केक्स वगैरह सब के सब नहीं बाकी भी मुझे थोड़े से फेक लग रहे थे बीच बीच में. स्पेशली वो रेड आई मोमेंट जो मुझे लगा वो एक लड़की की आंख लाल दिखाई थी उन्होंने बहुत फेक लग रही थी वो भी. उसके बाद ये तो बहुत फेक मोमेंट था जब सारे के सारे वो 8-9 आदमी जो थे वो एकदम इतना ऊंचा हाइट पे आ गए लाइक इट्स फेक टोटली फेक. फिर एक को इन्होंने लात मारी और वो चांद के पास से होके गया. हिंदू लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा उसे हम खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन की. ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हम दूसरों पे तबसरा करने के लिए बैठ जाएंगे. वो खुद देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा बिकॉज वो रिलेट करते हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा. उनकी लाइफ कनेक्टेड है इन चीज़ों से. जब वो इन चीज़ों को देखेंगे कि इतना फेकली उनको प्रेजेंट किया जा रहा है वो हर्ट होंगे इस चीज़ से. हमें खुद बुरा लगा ये चीज़ देख के कि आप इतने नेचुरल टॉपिक को चूज करके इतने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को चूज करके उसको इतना फेकली प्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक ये आजकल की मूवी होने वाली है ऐसी कोई. बहुत से लोग पसंद भी करेंगे बिकॉज आई थिंक कॉन्टेंट हमने भी देखा नहीं ट्रेलर भी आया नहीं है. बट जो हमें मुझे सिनेमेटोग्राफी से भी कोई मसला नहीं बिकॉज बहुत वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है बहुत मुश्किल से बनती है.
उसके अलावा मुझे उनके करेक्टर से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे बस वो उन दो तीन पंचेस से मसला था, जो बिल्कुल हमें दो वीडियो में, पूरी वीडियो बहुत अच्छी थी, हम फिर वीडियो बहुत अच्छी ट्रेलर थी। ट्रेलर भी देखेंगे इंशाल्लाह इसका, और फिल्म अगर हमें यूट्यूब पर मिली तो हम ज़रूर देखेंगे। मम्मी बस मसला इस बात है कि आप अब आपका सिनेमा इतना इवॉल्व कर चुका है, साउथ इंडस्ट्री बहुत सो बहुत वेल आगे जा सो चुकी है, वेल। और अब और अब इस तरह के चीजों को इस तरह प्रेजेंट करना, इट्स लाइक बहुत बचकाना हरकत है, हाँ, अब बहुत चाइनीज। चाइल्डिश हरकत करेंगे। आप एक बंदा ऐसे करते तो 10 लोग ऐसे, और वो ना करते ना, वो आप बहुत पहले हम रह कोई हम जा कोई हाँ चुका हम है। कोई गलती निकाल ही ना पाते, हम होते कौन है गलती निकालने वाले, लेकिन और आप ऐसे टॉपिक पे तो कभी हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये किसी के रिलीजन से रिलेटेड है। हम किसी चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहेंगे, कभी कोई बायस्ड रिव्यू नहीं देना चाहेंगे बिल्कुल भी, बीइंग अ मुस्लिम। हम अनबायस रह जाएंगे, बिकॉज हमें सब कुछ लगा। आपने अपने टू मेन लॉर्ड्स को दिखा दिया, लॉर्ड हनुमान एंड लॉर्ड राम राम को, उसके लिए वो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छाई बुराई की आपने दिखाई, और मतलब जो उनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है वो भी आपने दिखाई, लेकिन उसके बाद जो पंचेस दिखाए ना आपने, वो सारा टेम्पर टूट टूट गया उसका। बिल्कुल सो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अब आप लोग इतने अच्छे आप लोग हैं, मतलब साउथ इंडस्ट्री इज़ अ प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा। साउथ इंडस्ट्री से फिल्म जा रही है ऑस्कर में, अब बॉलीवुड बहुत पीछे जा चुके हैं, और लोग साउथ को प्रेफर करते और हैं हम बिकॉज खुद इतनी अपनी वीडियो में कितनी दफा इस चीज को प्रेस कर चुके हैं कि साउथ जिस मुकाम पे पहुंच गया उस पे बॉलीवुड शायद पहुंच सकता था, लेकिन साउथ अभी बहुत जल्दी पहुंच गया उधर। बहुत आगे पहुंच साउथ ने गया। अपने आप को बहुत जल्दी ग्रूम किया, जो एफर्ट साउथ ने दिए ना, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। हाँ बट क्योंकि ये के बाद थोड़ा सा थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि आप मजा ही था, डिसअपॉइंटिंग भी था। आप खुद कॉमन सेंस वाले, जो जिन्होंने ट्रेलर बनाया आप खुद कॉमन सेंस रखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इतने ऊपर छलांग लगा के 10 बंदे कैसे उठ सकते हैं, जैसे वो तभी तो कार्टून में भी नहीं दिखाते कि 10 बंदे उठ जाए, तो देख रहे कि जो हाँ हॉगी एंड कॉकरोच से दिखाया जाए, वो भी अकेले ही उड़ता था। हाँ सो आपसे एम एक्सट्रीम सॉरी अगर आपको कोई बात किसी बुरी लगी का, हमारी, किसी के सेंटिमेंट्स को हमने हर्ट किया हो तो वी आर रियली सॉरी, बट हमने जस्ट एक दो पॉइंट्स को बीच में डिस्कस किया जो हमें थोड़े से बुरे लगे। अदर देन वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड हमारा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था। हमें बस उन दो दो पंचेस से और दो जो फाइटिंग सीन से मसला था, बाकी हमें सब बहुत अच्छा लगा। सिनेमाटोग्राफी भी, वीएफएक्स भी अच्छा था, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी लो बजट मूवी, बट आई थिंक वीएफएक्स इसका बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सी यू टिल देन, बाय, अल्लाह हाफिज।